सीपी जोशी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त। जयपुर की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद सीपी जोशी को राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। सीपी जोशी वर्तमान अध्यक्ष सतीश पूनिया का स्थान ग्रहण करेंगे तथा तत्काल प्रभाव से इन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। सीपी जोशी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने बधाई दी। धौलपुर भाजपा सह प्रभारी करौली भाजपा वरिष्ठ नेता डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने जोशी की नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संगठन को मजबूत करने को समस्त कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की। चित्तौड़ के सांसद श्री सीपी जोशी को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मैं प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व अध्यक्ष सतीश जी पुनिया का कार्यकाल बेहतरीन रहा। विशेष अभियान सेवा ही संगठन के माध्यम से कोरोना काल में जो उन्होंने प्रदेश की जनता की सेवा की, कार्यकर्ताओं को संगठित कर एकजुट कर सेवा का जो भाव जगाया, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी तारीफ की। आने वाले अध्यक्ष सीपी जोशी जी का कार्यकाल बेहतरीन रहे और उनके नेतृत्व में 2023 में इस वर्ष जो चुनाव होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में पूरी जोर सरकार बने, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार पुनः सीपी जोशी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विधायक मलिंगा ने बाड़ी नवरात्रा महोत्सव 2023 का किया उद्घाटन। बाड़ी की प्रमुख खबर। नगरपालिका द्वारा आयोजित होने वाले नवरात्रा महोत्सव का गुरुवार को बाड़ी विधायक गिर्रा सिंह मलिंगा की अध्यक्षता में मेले का उद्घाटन माणा प्रताप स्टेडियम सरमथरा रोड पर किया गया, जिसमें समस्त पार्षदों द्वारा अतिथियों का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। इसके उपरांत विधिवत पूजन अर्चना कर ध्वजारोहण कर मेले का उद्घाटन किया गया। इस दौरान विधायक गिर्रा सिंह मलिंगा ने कहा कि भाईचारे और आपसी मेलजोल बढ़ाएं और मेले में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। और उपखंड अधिकारी गिरधर मीणा ने बताया, मेले के दौरान पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह ने बताया कि नवरात्रा महोत्सव 2023 का मेला दिनांक 23 मार्च से 31 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर बाड़ी विधायक गिर्रा सिंह मलिंगा, एसडीएम गिरधर मीणा, चेयरमैन श्रीमती कमलेश देवी, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां, अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, कनिष्ठ अभियंता जोगेंद्र सिंह, मुश्ताक अहमद, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, रवि पचौरी, वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज, ओमवीर सिंह चौधरी, रुकमपाल सिंह जादौन, पार्षद जसवंत सिंह हजारी पहाड़िया, महिला पार्षद आयशा बेगम, विनोद शर्मा, तेजेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, डॉक्टर सरिता मीणा सहित समस्त वार्ड पार्षद एवं कार्मिक सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बाड़ी से रामदास तरुण की रिपोर्ट। हर भारतीय की तरह, हर वर्ष की तरह इस साल भी इसी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है, ये मैं आपसे अपेक्षा। वो सब मेलों में भीड़ बहुत है, चाहे आपके बाराबाली का मेला है, चाहे अपने केला देवी का मेला है, चाहे जो लोकल में और मेला निकले जिले लेवल पर, वो सभी मेलों में अपनी बार भीड़ बहुत है। जैसे 2 साल से कोरोना चला था तो उसकी वजह से सभी मेला पिट गए थे, तो मैं जानता हूँ कि उसके हिसाब से आप लोगों को व्यवस्था करनी चाहिए, प्रशासन की व्यवस्था रहनी चाहिए और नगर पालिका को भी अपनी व्यवस्था करके आई पूरी तैयारी रखनी चाहिए। तो जिस तरीके से भीड़ बढ़े उसी तरीके से हम अपनी तैयारी डालें, किसी कोई प्रकार की कोई जनता में परेशानी नहीं आनी चाहिए। और यही है कि आप लोग पूरी तरीके से अगर चलाएंगे तो लोग
मदद करेंगे और लोगों की मदद होना इसमें बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम। शहीद दिवस पर अहिंसा मार्च का हुआ आयोजन, धौलपुर की प्रमुख खबर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश की आजादी के लिए अपनी जान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए अहिंसा मार्च का आयोजन किया गया। शहीद दिवस के उपलक्ष में जिला कलेक्ट्रेट स्थित गांधी पार्क में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद दिवस का आयोजन जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के सौजन्य से किया गया। जिला कलेक्टर ने गांधी प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जिला कलेक्ट्रेट से अहिंसा मार्च रैली का आयोजन गुलाब बाग होते हुए गांधी पार्क तक किया गया, जहां शहीदों के सम्मान में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर ने अपने उद्बोधन में कहा कि बलिदान दिवस भारत में उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान तक भारत माता के लिए कुर्बान कर दी। भारत में शहीद दिवस हर वर्ष 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिए जाने को लेकर मनाया जाता है। शहर के गांधी पार्क में शहीद दिवस के दौरान आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा के बाद राष्ट्रगान का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, गांधी दर्शन अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा, विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा, दुर्गादत्त शास्त्री, धनेश जैन सहित सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। आज की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित परम सम्माननीय शास्त्री साहब, धर्मेंद्र जी, मेरे सभी साथी अधिकारीगण, प्यारे बच्चों, सभी उपस्थित नागरिकगण, माननीय शास्त्री जी ने जैसा बताया कि श्रद्धांजलि सभा की सार्थकता कब है, जब हमारे दिन प्रतिदिन कार्यकलाप में इनके जीवन मूल्यों का उतार है। इसके लिए हमने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर सोचा है कि जो सुशिक्षित बचपन एक नया नवाचार इस जिले में चालू किया है, उसमें प्रार्थना सभाओं में इन महापुरुषों की जीवनी के संस्मरण, सर्वधर्म प्रार्थना सभा, इनको इसमें सम्मिलित किया जाए। प्रेरणादायी नारे, स्लोगन्स स्कूल की चार दीवारी पर लगाए जाएं। मैं समझता हूँ कि यदि हम प्रारंभ से ही बच्चों में इस तरह की भावना भर दें, तू ही राम है, तू कलयुग है, तू ही जिसमें तू खुदा हुआ, दूसरा इतनी शक्ति हमें देना दाता, जैसी ये प्रार्थनाएं डेली हम बच्चों के मुंह से बच्चों को सुनाएं, तो निश्चित रूप से और अच्छे स्वर में सुनाएं सब बच्चों को, उसमें शब्दों पर भी गौर करने के लिए कहें कि बच्चे उस शब्द का शाब्दिक अर्थ भी समझें, तो उनके निश्चित रूप से कुछ जहन में कोई चीज़ जाएगी, वो मंत्रमुग्ध भी होगा, आत्मनिर्भर भी होगा और उसमें भावनाएं ऐसी। ये तीनों सही हमारे बीच में नहीं है, इनकी यादें हमेशा से ताजा हैं। 23 साल 24 साल की उम्र के अंदर इनको फांसी दी गई। इन्होंने अपने लिए क्या किया ये नहीं था, इन्होंने देश के लिए किया। और आज जो बलिदान है वो इस बात का प्रतीक है कि इनको छोटी सी उम्र में दे दिए। आज हम और सब आप इसी मंत्रालय पर चलते हैं कि किस तरह से क्या कार्यक्रम किया जाए, लेकिन जीवन के अंदर जो त्याग और बलिदान करता है उसका नाम हमेशा अमिट रहता है। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, इन्होंने अपना जीवन सर्वस्व नष्ट किया। अवैध देसी कट्टा के साथ एक युवक गिरफ्तार, दिहोली धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं पुलिस उप अधीक्षक मनिया के निकटतम सुपरविजन में
दिहोली थाना क्षेत्र में अपराधियों का धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गत दिवस देर रात्रि पुरानी रैना वाली माता मंदिर के पास से एक संदिग्ध युवक को पकड़ा, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास एक 315 बोर का अवैध देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस उप अधीक्षक दीपक खंडेलवाल ने बताया कि अवैध हथियार के साथ मुलजिम धर्मवीर निषाद को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में दिहोली थाना प्रभारी विधाराम के साथ जलवीर ASI जय कुमार एवं मुकेश कुमार कांस्टेबल शामिल रहे। शहीद दिवस पर स्कूली बच्चों ने निकाली रैली, सरमथुरा की प्रमुख खबर। शहीद दिवस पर आज प्रशासन की तरफ से बच्चों की रैली थाना परिसर से प्रारंभ की गई, जहां उपखंड अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। रैली भारत माता की जयकारे के साथ संपूर्ण कस्बे में निकलते हुए संस्कृत कॉलेज तक पहुंची। थाना सरमथुरा पुलिस की तरफ से रैली में शामिल हुए छात्र छात्राओं को फल एवं पेय पदार्थ फ्रूटी का वितरण किया गया। रैली में स्कूली बच्चों के साथ सभी प्रशासनिक अधिकारी एवं आम जन शामिल रहे। विद्यार्थी परिषद इकाई राजाखेड़ा ने मनाया हिंदू नववर्ष, विश्व कल्याण की कामना की। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई राजाखेड़ा द्वारा कस्बे के ऐतिहासिक मंदिर मंदिर श्री महते की धाम पर हिंदू नववर्ष मनाया गया। इस दौरान उपस्थित छात्र छात्रा कार्यकर्ताओं ने भारत माँ के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर वंदना की एवं छात्र संघ अध्यक्ष सपना ठाकुर ने सभी छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर उन्हें हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 की शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता छात्रा सुमिरन ने की। कार्यक्रम के दौरान राजन ठाकुर ने बताया कि हिंदू नववर्ष भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि इसी दिन वर्ष के पहले नवरात्रा एवं बसंत ऋतु का आगमन होता है। नगर मंत्री राम सिकंदर वर्मा एवं नगर कार्यालय मंत्री गजेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि हिंदू धर्म की एकमात्र विश्व का ऐसा धर्म है जो वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलते हुए विश्व में शांति और कल्याण की बात करता है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र छात्रा कार्यकर्ताओं ने सायंकाल में अपने घर एवं प्रतिष्ठानों पर 5-5 दीपक जलाकर नववर्ष मनाने का संकल्प लिया। इस दौरान नगर सह मंत्री सोनू ठाकुर, गोविंद पतंजलि, राधा ठाकुर, खुशी, मधु कुमारी, अंजलि नगीना आदि छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। एरो की शक्ति राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एबीवीपी। अपहरण के मामले में एक साल से फरार स्थायी वारंटी गिरफ्तार, कोलारी धौलपुर की प्रमुख खबर। संपूर्ण जिले की पुलिस द्वारा फरार अपराधियों का गिरफ्तारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज कोलारी थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए लगभग एक वर्ष से फरार स्थायी वारंटी सतीश गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फरार मुलजिम को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह के साथ सत्य प्रकाश ASI पुलिस चौकी सखवारा, ओम प्रकाश रणवीर कांस्टेबल पुलिस चौकी सखवारा थाना कोलारी शामिल रहे। विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया शहीद दिवस, सरमथुरा की प्रमुख खबर। सरमथुरा उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोमई में शहीद दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वीर शहीदों के चित्रों पर माला एवं पुष्प चढ़ाकर की गई, जिसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा हाथों में तख्तियां लेकर गांव के मुख्य मार्गों पर अहिंसा मार्च निकाला गया, जिसमें ग्रामीणों को नशा मुक्ति, शांति एवं सद्भाव के साथ रहने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य विजय सिंह बैरवा ने कहा कि क्रांतिकारी शहीद ए आजम, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने आज ही के दिन साल 1931 में 23 मार्च को देश की खातिर हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था और उनकी जीवनी के बारे में विस्तार से छात्र छात्राओं को बताया। शिक्षक सचिन कुमार ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु ने
देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया और देश की आजादी के लिए शहीद हो गए। इनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने सामाजिक सद्भाव व आपसी प्रेम से रहते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राएं एवं शिक्षक मौजूद रहे। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। शहीद दिवस पर भारत माता के वीर सपूतों को दी विनम्र श्रद्धांजलि। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। आज 23 मार्च 2023 शहीद दिवस के अवसर पर भारत माता के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई और पंचायत समिति से गांधी चबूतरा तक बाजार में इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा रैली निकाली गई। गांधी चबूतरा पर शहीद भगत सिंह एवं महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने कहा कि इसी दिन सन 1931 को भारत के वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव भारत को आजाद कराने की खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्हीं की शहादत की याद के रूप में शहीद दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम में विकास अधिकारी राकेश सिंगल, तहसीलदार दिनेश चंद, अधिशासी अधिकारी रतन सिंह, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आरुषि गुप्ता, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चरण सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी अवधेश कुमार, सहायक कृषि अधिकारी राम विलास, नगर पालिका उपाध्यक्ष नाहर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार उत्तम दीक्षित, राज्य संदर्भ व्यक्ति एवं स्वच्छता प्रभारी प्रमोद शर्मा, पशु विभाग से राजकुमार मुद्गल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राकेश कुमार आचार्य ने किया। और पत्रकार बने बेटा शुरुआत देना चाहूंगा, क्या छुट्टी है, रात की अवकाश है और आपने शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त की है कि आप छुट्टी के दिन अपना समय निकाल करके प्यारे बच्चे बच्चियाँ और सभी कर्मचारी अधिकारीगण आज उपस्थित हैं। शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि श्रद्धा समर्थ आपके द्वारा अर्पित किया गया है। आज का दिन हमारे लिए विशेष दिवस है। हमारे देश की वो जो आजादी है इतनी आसानी से नहीं मिली, इसके लिए बड़ा लंबा संघर्ष। विनोद अवाना संडपुरा बने अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष। बाड़ी की प्रमुख खबर। दिनांक 22 मार्च 2023 को अखिल भारतीय गुर्जर महासभा राजस्थान द्वारा बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस मनाया गया, जिसमें सम्मान समारोह रखा गया और समाज के हित में महत्वपूर्ण चर्चा की गई एवं कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए विनोद अवाना संडपुरा को धौलपुर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया एवं सोनू गुर्जर नगर घटा को युवा जिला अध्यक्ष धौलपुर नियुक्त किया गया। नव नियुक्त पदाधिकारियों को जोगिंदर अवाना मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा माला साफा एवं स्मृति चिन्ह देकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जाहिद कुरैशी, अक्षय गुर्जर, अवधेश पार्सल, धीरू अवाना, सौरभ अवाना, अभिषेक अवाना एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कल सुबह 10 से 12 बजे तक बंद रहेगी बिजली। बसेड़ी की प्रमुख खबर। विद्युत निगम के सहायक अभियंता जगन सिंह कोठिया ने बताया कि दिनांक 24 मार्च 2023 को 132 केवी जीएसएस बसेड़ी पर 33 केवी बसेड़ी और नादनपुर फीडर का रखरखाव कार्य किया जाएगा, जिस कारण 33 केवी बसेड़ी फीडर की विद्युत आपूर्ति कल सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बंद रहेगी एवं 33 केवी नादनपुर फीडर की विद्युत आपूर्ति सुबह 1 बजे से 3 बजे तक बंद रहेगी। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट।